आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा है। लवासा एक प्लान सिटी है जो पुणे से तकरीबन 65 किमी पर है। ये एक बहुत ही सुंदर जगह है, इटालियन टाउन के पोर्टोफिनो से इंस्पायर होकर 2000 में ये बनाया गया है। और वहाँ पर जाने के लिए आपको एंट्री फीस लगती है गेट पर, बिकॉज़ कि ये प्राइवेट सिटी है। और यहाँ पर अगर फोर व्हीलर लेके जा रहे हो आप लोग तो 500 लगेंगे चार्जेस, और टू व्हीलर लेके जा रहे हो तो 200। आप फोटोज़ में सब देख सकते हो वहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे कितने सुंदर है। एक्चुअली हम लोग गए तब बहुत ही बारिश थी तो मैं अच्छे से शूट्स नहीं कर पाई फोटोज़ वगैरह। और देख सकते हो ये यहाँ पर एंट्री है, और अभी यहाँ पर देख सकते हो आप कितना फॉग है, कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है। ऐसे क्लाउड हम लोगों को ऐसे छू कर जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत ही बढ़िया सिटी है। और वहाँ पर जाने के लिए आप टू व्हीलर या कैब से जा सकते हो, वहाँ पर बसेस नहीं जाती है, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। और ये इंडिया का फर्स्ट प्लान सिटी है, और ये तकरीबन 25,000 के एरिया में मतलब बनाया गया है। और एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर जब प्लानिंग चालू हुई तो मतलब पूरा ही जंगल था, और सब पेड़ पौधे सब काट कर ये सिटी प्लान किया गया है। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल को बहुत ही हानि पहुँचने की वजह से 2010 और 2011 में ये सिटी का जो काम है वो रुक गया, और इसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और इसकी वजह से इसको घोस्ट सिटी भी कहा जाता है लवासा को। पर इसकी ब्यूटी बहुत ही बढ़िया है, इसकी वजह से यहाँ पर ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। और आपने जैसे आगे फोटो में देखा कि वहाँ वो मतलब एक हिल के ऊपर प्लान की गई हुई सिटी है, तो इसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर, उसकी ब्यूटी, उसके नज़ारे मतलब क्या बोलूँ मैं तो। इवन यहाँ पर जाने के लिए रास्ते भी जो है वो बहुत ही बढ़िया बनाए गए हैं। आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो कि कितना बढ़िया नज़ारा है, फॉरेस्ट है, नेचर है। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के पंछी वगैरह भी दिखाई देंगे। और यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो मतलब हिल के ऊपर है, बट ऑब्वियस आपको घाट से ऊपर ही जाना होगा। तो यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट्स भी आते हैं जो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, बहुत कुछ बनाया गया है, कैफेज वगैरह। और ये यहाँ पर आप खाने के लिए साउथ इंडियन मिल सकता है आपको, कैफेज़ है, महाराष्ट्रियन कुजिन भी वहाँ पे आपको मिल सकता है, बिकॉज़ आप महाराष्ट्र में हो तो बट ऑब्वियस महाराष्ट्रियन कुजिन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जाने के टाइम पे छोटी छोटी मतलब स्टॉल्स वगैरह दिखेंगे, और आप बारिश में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे भुट्टे के स्टॉल कॉर्न बहुत ही बढ़िया सीखे हुए मिलेंगे, और इवन आपको यहाँ पे भजी भी मिल जाएंगे छोटे छोटे स्टॉल पे, मैगी है, फिर गरम चाय। ये वेदर में चाय का तो मैं क्या बात ही बोलूँ, पीने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पर आप एक या दो दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हो जाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर यहाँ से आप अभी हम लोग रिटर्न हो चुके हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, और आए हैं वो बेबी फॉर 2 ईयर्स। सो
बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पे इस टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, और इसकी वजह से हम लोग वापस आ गए अभी, मतलब निकल चुके हैं। तो आप बीच बीच में देख सकते हो, ये नज़ारे भी बहुत ही प्यारे हैं। और आप लवासा से पहले भी आपको दो तीन रिसोर्ट या होटल्स लगेंगे सिटी में एंट्री करने से पहले। अगर आपको सिटी के अंदर स्टे नहीं करना है तो आप बाहर भी मतलब स्टे कर सकते हो, वहाँ पे एक दो ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, और इसी की वजह से मैंने आपको पहले ही बोला कि ये प्राइवेट सिटी है, तो इसकी एंट्रीज वगैरह है। और ये पूना का फर्स्ट मतलब पूरे इंडिया का फर्स्ट हिल प्लान सिटी है। इसके अलावा आप वहाँ पर मतलब अगर आप लोग ग्रुप में गए हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बहुत ही स्पेसियस सिटी है, और वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, एक दो राइड्स वहाँ पे है वो कर सकते हो, वहाँ पे छोटे गार्डन्स है बच्चों को खेलने के लिए, मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर ही है, तो आप वो भी मतलब वहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और इसके अलावा वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, जैसे आपने फोटो में पहले दिखा, वो ब्रिज से सनसेट और सनराइज दोनों का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप स्टे कर रहे हो या फिर वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हो तो ये दोनों टाइम पे आप जा सकते हो। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो समर में जाने के लिए, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कैसे आपको खेलती हुई नज़र आ रही हूँ। एक्चुअली ये बीच में लवासा जाने के टाइम पे पॉइंट्स आता है, ये बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है। यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटा स्पेंड किया रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता भी किया था, बहुत ही मज़ा आ गया। पानी में ऐसे बैठ के खेलने का मज़ा, मतलब बचपन वाली वाइब्स आ जाती है। इसके अलावा देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा है। और अगर आप खुद की कार लेके जा रहे हो या कैब में जा रहे हो तो मतलब ऐसे बीच बीच में खड़े रह के पूरा रोड ऐसे सीज़न में आपको ट्रैफिक मिलेगा। एक्चुअली हम लोग गए थे शाम के टाइम को, तो इसलिए हमें कम पब्लिक दिखी, मोस्टली सब लोग मतलब जिसको स्टे करना है वही लोग शाम के टाइम को जा रहे थे। हम लोग अभी रिटर्न हो चुके हैं शाम के टाइम को, क्योंकि हमारा कुछ ऐसे प्लान नहीं था कि लवासा जाना है और ऐसे ही बच्चा ऐसे बोल रहा है माउंटेन पे जाना है, माउंटेन पे जा रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लोनावाला है, महाबलेश्वर है, पर ऐसे बोर हो चुके हैं ऐसी जगह से जा जाके, क्योंकि वो हमारे घर से बहुत नज़दीक होता है, हम लोग बानेर में स्टे करते हैं, तो इसीलिए सोचा चलो इस बार लवासा प्लान करते हैं और जाके आते हैं। और बारिश का भी मौसम है, गरम गरम भुट्टे भजी, हाँ, खाने का मज़ा ही अलग है। और बाकी आप ये नज़ारे तो देख सकते हो। यहाँ से और एक पॉइंट है आपको फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए,